दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 18 दिसंबर 2022 रविवार। एक बार फिर से माप के लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप इन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हो। महिला पुरुष, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी यहाँ पर आवेदन करने का मौका निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन पांच विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 18 दिसंबर 2022 की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान में, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है यहाँ पर ANM असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की, मेडिकल सेक्टर की ये भर्ती है। बात अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटेल की जाए तो टोटल 3,214 वैकेंसीज निकली है। ANM के लिए 1155 पद है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए 1015 जबकि लैब टेक्नीशियन के लिए भी 1044 वैकेंसीज निकली है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ANM की पोस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट होंगे 23 दिसंबर 2022 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 जनवरी 2023 है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन स्टार्ट होंगे 30 दिसंबर 2022 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 जनवरी 2023 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से सैलरी पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 12th ANM डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sihfwrajasthan.com और rastwaste.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में, KEA के अंतर्गत ये भर्ती है। प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। 310 वैकेंसीज यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 जनवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 17 जनवरी 2023 है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। डिग्री PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5,000 है, SC ST के लिए 2,500 है, जो कि आप कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस से पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट है cetonline.karnataka.gov.in/kea जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वाराणसी कंटेनमेंट बोर्ड में, छावनी बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, मिडवाइफ, पंप अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, वार्ड बॉय, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। वैकेंसीज पोस्ट वाइज आप नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए आवेदन 15 दिसंबर से चल रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जनवरी 2023 है। सैलरी जूनियर क्लर्क, पंप अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 19,900 से 63,200 है प्रति माह के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए 35,400 से 1,12,400 है। मिडवाइफ के लिए 21,700 से 69,100 है। वार्ड बॉय के लिए 18,000 से 56,900 है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 56,100 से 1,77,500 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन डिटेल की बात की जाए तो 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री और MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 23 से 35 वर्ष आयु सीमा है।
फीस मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 800 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटन एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। varanasi.kent.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है एमपी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल की पोस्ट है, वैकेंसी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 16 दिसंबर 2022 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2022 है। सैलरी यहाँ पर 51,550 से 63,070 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री इन लॉ से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 35 से 45 वर्ष है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 977.2 रुपये फीस है, SST OBC के लिए 577.2 है, जो कि आप कैश MP ऑनलाइन ऑथोराइज कियोस्क और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के आधार पे। इस भर्ती के लिए आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MPSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली हरियाणा एनिमल हस्बेंड एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट में, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। वेटनरी सर्जन की पोस्ट है, 383 वैकेंसी यहां पर इसके लिए निकली है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 15 दिसंबर 2022 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 जनवरी 2023 है। सैलरी 53,100 से 1,67,800 है प्रति माह के लिए। डिग्री वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 22 से 44 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस यहां पर मेल जनरल कैंडिडेट या रिजर्व कैंडिडेट और EX सर्विसमैन के लिए 1000 है, फीमेल SC BC ESM या IWS या मेल के लिए 250 है। ऑल PH कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं केवल उनको फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। मेरिट से चयन होगा बिना एग्जाम के, यहां पर ये भर्ती निकली है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। HPSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 18 दिसंबर 2022 रविवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।